प्राइम वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर अखरी बाईपास चौराहा वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को मिली 2532 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,395 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,621 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 2 है। कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद शासन ने अब धार्मिक आयोजनों को अनुमति देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सोमवार को प्रशासनिक अनुमति के बाद शहर के भेलूपुर थाना क्षेत्र के शिवाला इलाके से निकलने वाले ताजिए का जुलूस सड़क पर निकाला गया। जुलूस में अंजुमन नौहा मातम करते चल रही थी। इस दौरान शिया संप्रदाय के लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया गया। यह जुलूस शिवाला घाट पर जाकर समाप्त हुआ। जुलूस में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे, जो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करवाने के लिए पूरे रास्ते मुस्तैद दिखे। उन्नीस तारीख का है, कदीमी जुलूस है। ये आलिम साहब के यहाँ से उठता है, करमटीना उसको बोलते हैं, मगर है वो शिवाला। और करमटीना से जुलूस उठता है आलिम साहब का, और ताजिया है, दुलदुल है, और अलम है, ये सब उठता है जुलूस। मगर आज परमिशन हम लोग को पहली बार मिली है, इस लॉकडाउन के बाद पहला जुलूस हम लोग का ये निकल रहा है। 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर से 95 ट्रेनिंग जवानों ने सोमवार को 42 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी कर पासिंग आउट परेड में शामिल होकर देश की रक्षा की शपथ ली। ये सभी 95 रिक्रूटी सेना में सैनिक के रूप में शामिल किए गए हैं। 39 जीटीसी ग्राउंड पर आयोजित पासिंग आउट परेड में कमांडेंट 39 जीटीसी ब्रिगेडियर हुकुम सिंह बैंसला ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। नगर निगम प्रवर्तन दल ने सोमवार को लंका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। प्रवर्तन दल की टीम जैसे ही लंका क्षेत्र में पहुंची, ठेला खोमचा तथा पटरी व्यवसायी अपनी दुकान लेकर भागते नजर आए। वहीं प्रवर्तन दल द्वारा कुछ दुकानों को जब्त भी किया गया। वहीं जब प्रवर्तन दल लंका से सुंदरपुर मार्ग पर अतिक्रमण हटाने पहुँचा तो वहाँ उन्हें विरोध का भी सामना करना पड़ा। ठेला पटरी व्यवसायी के अध्यक्ष चिंतामणि सेठ ने प्रवर्तन पर आरोप लगाया कि नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा छोटे व्यवसायियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था यहाँ पे यातायात की बाधित है, इसलिए यहाँ के पुलिस अधिकारी और जोनल अधिकारी दशा समेत उन्होंने बोला है कि इस अतिक्रमण को हटवाना है, इसलिए आप देखेंगे पुलिस भी साथ में और ट्रैफिक पुलिस भी साथ में है। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद की घोषणा के बाद सोमवार को बीएचयू सिंह द्वार पर संयुक्त किसान मोर्चा सहित विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता व किसानों ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य अफलातून ने बताया कि हम लोगों ने आज राष्ट्रपति के नाम पुलिस विभाग को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से हम आपका ध्यान दिल्ली और अब पूरे देश में चल रहे किसान के आंदोलन और उनकी मांगों की तरफ ले जाना चाहते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खेती नहीं चलेगी। अगर रोजी रोटी की लड़ाई है तो वो आम जनता की लड़ाई है, जिसमें किसानों में बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं हैं। और जब 10 महीना पूरा हुआ है, एक एकजुटता देश भर में दिखाने के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, और तमाम प्रगतिशील दल, लोकतांत्रिक दल उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे संगठन, मजदूर संगठन, ये समर्थन कर रहे हैं। चंदौली जिले में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों का सोमवार को भारत बंद का आह्वान बेअसर रहा। नगरीय व ग्रामीण इलाकों में दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहे। केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि कानून के खिलाफ
किसान संगठनों का आंदोलन रुक नहीं रहा है। किसान संगठनों ने इसको लेकर सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया था। किसानों व्यापारियों से अपनी दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रखने की अपील की गई थी, लेकिन जिले में इसका कोई असर नहीं दिखा। BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र सोमवार सुबह नर्सिंग कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठ गए। छात्रों की मांग रही कि हमारा एजुकेशन शेड्यूल लेट हुआ है, उसे सही करते हुए हमारी परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाए। साथ ही BHU में नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए आने वाली रिक्तियों के लिए BSc नर्सिंग छात्रों को आंतरिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। छात्रों ने बताया कि साल 2009 तक नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को आंतरिक आरक्षण दिया जाता था। हमें अपने मांग के लिए जब तक भटकना पड़ता है, हर एक बार पिछले चार सालों से स्ट्राइक पर बैठते हैं, तब हमें हॉस्टल मिलता है, तब हमें अपने एग्जाम से रिलेटेड काम जो है अपनी लड़ाई के लिए हमें लड़ना पड़ता है। वाराणसी के 80 घाट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर में मृत लोगों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए गुमनाम मृतकों का स्वाद किया। सपा नेताओं के अनुसार कोरोना में मृत अज्ञात लोग जिन्हें दफनाया, बहाया या जलाया गया, उन सभी का हम यहां तर्पण कर त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध कार्यक्रम का नेतृत्व महिला सभा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियांशु यादव ने किया। ये जो कोविड के दौरान जो ज्ञात अज्ञात मौतें हुई, असमय जो काल के गाल में समा गए प्रदेश सरकार की लापरवाही से, उन गतात्माओं की शांति के लिए कि उनको सदगति मिले, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, हम लोगों ने एक तर्पण और श्रद्धांजलि उनकी स्मृति में यहाँ पर किया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले थानों में लंबे समय से पेंडिंग चल रहे मुकदमों की विवेचनाओं के संबंध में पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। उन्होंने कमिश्नरेट के 7 थानेदारों को सख्त हिदायत देते हुए लंबित विवेचनाओं को 1 महीने में निस्तारित करने का टारगेट दिया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने साल 2020 या उससे पहले के दर्ज मामलों में विवेचना के लंबित होने पर सख्त कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी लंका, सारना, शिवपुर, सिगरा, कैंट, भेलूपुर और मंडवाडी को नोटिस जारी कर दी है। आज विश्व पर्यटन दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी को यूपी टूरिज्म फेरी सर्विस नाम के क्रूज की एक और सौगात दे दी है। ये फेरी सर्विस हर रोज रविदास घाट से लेकर राजघाट तक गंगा की लहरों के साथ पर्यटकों को काशी के अध्यात्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में बताएगी। यूपी सरकार की ओर से ये पहला क्रूज होगा जो गंगा की लहरों में पर्यटकों और सैलानियों को बनारस के मनोरम घाटों की सैर करवाएगा। इस क्रूज सर्विस का सोमवार को उद्घाटन किया गया। पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने बताया कि आज सबसे पहले इसमें स्कूली छात्रों को सैर कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि पर्यटन क्षेत्र में इन बच्चों को करियर बनाने के लिए भी उत्साहवर्धन करना है। ये क्रूज भी गोवा से मंगवाया गया है और ये क्रूज अलकनंदा क्रूज से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन अभी पर्यटक बहुत कम आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि कब जी, तक पर्यटक बढ़ेंगे? जी घरेलू पर्यटक तो आ रहे हैं, जो हम लोग पर डेटा है। अब स्थिति बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते पहले जैसी हो गई, इस सीजन में रहती थी, लेकिन हाँ 80% अचीव हो गया है। इसके अलावा जो अभी 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा की बात है, इसमें कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बनारस का जो टूरिज़्म है फॉरेन टूरिज़्म बहुत देश करता है। डोमेस्टिक टूरिज्म में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे खासे टूरिस्ट आ रहे हैं और क्रूज़ भी जो हमारी ये चुनार गई थी उसमें भी टूरिस्ट थे और अब ये रेगुलर क्रूज चलने लगी अलकनंदा के साथ, तो इसमें भी टूरिस्ट आएंगे। अभी टूरिज्म में सबसे जो है थोड़ा सा इशू है वो फॉरेन टूरिस्ट का है। हमको ये है कि देव दीपावली जो होगा ये फाइनल, पिछली बार देव दीपावली में एक संजीवनी काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद यहाँ का टूरिज्म एकदम से अब ग्रो कर गया था और इस बार की देव दीपावली हमको लगता है कि पिछली देव दीपावली से बड़ी होगी। और ये भी है कि देव दीपावली पे ही यहाँ पे होटल इंडस्ट्री वगैरह बूम रहता है, तो तब तक ये पूरा पट्टी पे आ जाएगा टूरिज्म।